इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन का लोकसभा 2014 के चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल करने के साथ एक अनूठा रिकॉर्ड यह जुड़ गया कि वो देश की अकेली महिला सांसद है जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार चुनावी समर में विजयी हुई हैं। वे लगातार 9वीं लोकसभा यानी 1989 से लेकर 16वीं लोकसभा की सदस्य हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे देश की एकमात्र महिला सांसद हैं। 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलूण कस्बे में जन्मी सुमित्रा महाजन ने अपनी किशोरावस्था से ही धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। विवाह के बाद इंदौर आने पर महाजन ने सहकारिता के क्षेत्र में रुचि लेकर कार्य करना आरंभ कर दिया। एमए और एलएलबी तक शिक्षित महाजन 1983 में इंदौर की अग्रणी सहकारी बैंक महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक में संचालक चुनी गई। 1986 तक एक पद पर रहते हुए इन्होंने बैंक के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। इनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ पार्षद के रूप में इन्होंने अपना राजनीतिक करियर प्रारंभ किया। इस कार्यकाल में ये निगम उप महापौर भी रही। सन 1989 में भाजपा ने इंदौर से संसदीय चुनाव में महाजन का चयन किया। इस चुनाव में महाजन ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी को 1 लाख से भी अधिक मतों से पराजित किया। 1989 की ऐतिहासिक जीत के बाद सुमित्रा महाजन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 8 बार इंदौर से विजयी होकर दिल्ली पहुंची। अपने सरल स्वभाव और सादगी से महाजन ने इंदौर के निवासियों का दिल जीत लिया तो इंदौर निवासियों ने भी उन पर अपना प्यार कुछ इस तरह उड़ेला कि वे सबकी ताई बन गई। आज इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुमित्रा जी को ताई के नाम से ही जाना जाता है। मध्य प्रदेश का इंदौर बीते 25 सालों में कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रयोग का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यही कारण है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देश के महापंचायत में शीर्ष पर बिठाने का फैसला सुमित्रा महाजन के लिए किया है। स्पीकर के चुनाव में सत्ता और विपक्ष ने संतुलन साधने की कोशिश की है। सत्ता की ये कोशिश है कि विपक्ष को भी साथ रखा जाए और विपक्ष की ये मजबूरी है कि वो स्पीकर के चुनाव में सत्ता का साथ दें, क्योंकि सत्ता के पास जीतने के लिए बहुमत का जुगाड़ है। ऐसे में विपक्ष भी चाहता है कि सत्ता के साथ रहा जाए ताकि आने वाले दिनों की सियासत ठीक ठाक चल सके। कैमरामैन प्रमोद नेगी और अपने सहयोगी कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र सुधाकर दास के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।